हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका गीता मेड इजी कोर्स में। पिछली बार हमने दूसरे अध्याय की शुरुआत करी थी जिसका शीर्षक है गीता का सार। तो हमने देखा था पिछली बार कि अभी तक तो केवल अर्जुन ही बोल रहे थे, माइक पकड़ा हुआ था, छोड़ नहीं रहे थे, माइक का लाल बने हुए थे। तब भगवान बोलते बहुत हो गया ना, मेरी बारी अब। और क्या किया, जैसे ही शुरुआत की तो खूब खदेड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि भवन भरे पड़े थे। और एक बार रुके ये, फिर इसको मैं सुनाऊंगा। और शुरुआत कैसे करी, 2.2, उसको एक बार दोबारा से रिविजिट करते हैं। श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वा कश्मलम इदम्। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे। शुरुआत ही यहीं से, पहला सेंटेंस ही भगवान का ये कह रहे अर्जुन, है ना, देखने में पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति लगते हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसा कलमश आ गया। क्या कलमश था, लड़ूंगा नहीं, युद्ध नहीं करूंगा, ये कलमश है क्या। शांति का मैसेंजर बनना ये कलमश है क्या, हिंसा ना करना ये कलमश है क्या। मगर भगवान बोले कि ये कलमश आया कैसे, क्यों, क्योंकि भगवान बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन इस समय तुम जो युद्ध ना करने की जो तुम्हारी इच्छा है वो धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि धर्म क्या है, अधर्म का नाश करना, इस समय ये धर्म है। ये सारे अधर्मी लोग हैं, ये कौरव लोग हैं जो अधर्म फैला रहे हैं, तो इनका संहार करना ना, इनको पदवी से हटाना, ये तुम्हारा धर्म है। और तुम क्योंकि वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, तुम कमजोर पड़ी जा रहे हो, इसलिए तुम अधर्मी बन रहे हो, इसलिए ये कलमश है। तो ये मन में तुम्हारे कलमश आया कैसे। तो क्या बोलते हैं भगवान कि इस नपुंसकता को हटाओ ना, गिव अप दिस मेंटेलिटी। तो यहां अर्जुन क्या बोलते हैं कि मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। अरे मेरे परिजन हैं, और कौन है, कोई नॉर्मल, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मेरे पितामह है। कोई और व्यक्ति होता, समेज का होता, उसके साथ तो फिर भी लड़ लूं, मगर ये तो मतलब बूढ़े हो चले हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, इनके साथ कैसे युद्ध करूं मैं, मेरे तो हाथ ही नहीं उठेगा। ये गांधी इसलिए छूटा जा रहा है मेरे हाथ से, मेरा गला अवरुद्ध होता जा रहा है, हाथ में कंपन हो रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है ना, पसीने आ रहे हैं, कैसे युद्ध करूं मैं इस परिस्थिति में। तो ये अर्जुन का हाल है। तो ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगना अच्छा है। तो भले ही वे सांसारिक लोभ के इच्छुक क्यों ना हो, मगर हैं तो गुरुजन, तो यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी, खून से सनी होगी। तो अर्जुन तर्क पे तर्क दे जा रहे हैं। तब क्या बोलते हैं फिर, अब हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। अब भगवान ने ये स्टेटमेंट बोली, देखो कैसे हुआ कि बड़ी तेज गाड़ी चल रही थी और भगवान ने बीच में इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा दिया, तो अर्जुन घबरा रहा, अब बड़ी गाड़ी उछल के गिरी है, अब गिरी है और अभी भी मोमेंटम है उसमें, तो पिछली जो बातें हैं वो एकदम से रोका नहीं अर्जुन ने, तो अपने तर्क दिए जा रहा है, युद्ध नहीं करूंगा, ये हो जाएगा, है ना, ये बूढ़े लोग हैं ना, ये सब अनाथ हो जाएंगे, इनके बच्चे ना, यहाँ पे भ्रष्टाचार फैलेगा, ये फैलेगा, तो गाड़ी चल रही है। अब जाके जब रुकने वाली है ना गाड़ी, तब अर्जुन को लगता है यार कन्फ्यूज़न है, लड़ूं या ना लड़ूं, कि मैं हम जीते या इनके द्वारा जीते जाएं, क्या करना है, कन्फ्यूज़न है। और फिर जाके अब ये श्लोक आता है, तो एक बार 6 पढ़ लेते हैं हम दोबारा से। नाच एतद् विद्यकर्ता नाच एतद् विद्यकर्ता कतरनो गरिया यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेनु हत्वा न जिजी यानेव हत्वा न जिजी विषाम स्तैव अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध
अब ये जो श्लोक आ रहा है सातवां श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद्गीता का। ये श्लोक अगर जीवन में अपना ले बेड़ा पार है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यच्छेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्। तो यहाँ आके अब गीता बदल जाती है। अब अर्जुन भी 180 डिग्री चेंज ले लेता है। यहाँ पे बोले बहुत ठोकर खाली ना, पिट गया मैं ना, अब ज़्यादा गालियाँ नहीं खानी मुझे भगवान से। तो अब यहाँ पे अर्जुन हाथ खड़े कर लेता है ना, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। बोले अब मेरे से संभलेगी नहीं चीज़ें ना। अब तो मैं ये समझ गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तक नहीं समझा था मैं ना, अभी तक अपने बल पे मैं गाड़ी चला रहा था, बट अब मुझे समझ आ गया कि मैं नहीं समझ पाऊँगा ना, ये बड़े ही गूढ़ विषय है ना, जिस पे मैं बार बार तर्क दे रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कुछ आप भी कहना चाह रहे हैं, मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं जो मैं समझना नहीं चाह रहा हूँ। मेरा अपना प्रीजुडिस है ना, मेरे मन में कुछ धारणाएँ हैं, कुछ विचार हैं, उसी के बल पर मैं कुछ बोली जा रहा हूँ, मगर आप कुछ मुझे समझाना चाह रहे हैं। तब क्या करते हैं अर्जुन, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वं प्रपन्नम, कि आप कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में गिरता हूँ, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो क्या हुआ, अर्जुन झुका तभी सीखा। तो जो झुकता है वो सीखता है, दिस इज अ सिंपल लेसन, कि जो झुका नहीं वो कभी सीखा नहीं। तो झुकना बहुत जरूरी था, जो बहुत जरूरी है। देखिए कृष्ण कौन थे, कृष्ण अर्जुन के एडवाइजर थे, मगर अर्जुन अपने एडवाइजर का एडवाइजर बना बैठा था कि जैसा मैं बोलूंगा वैसे तुझे करना है, कि तुम बोलते रहो कृष्ण है ना, मगर मैं करूंगा वही जो मेरा मन बोलता है। तो ये अभी अर्जुन की प्रॉब्लम थी, अब तक जो हमने श्लोका पढ़े जिसमें अर्जुन केवल और केवल अपने मन की बात बोल रहे थे। हाँ कुछ कुछ जो ज्ञान था, जो बुद्धि थी, उसके अनुसार कार्य कर रहे थे, मगर मोटा मोटा जो मन बोल रहा था वही वो तर्कों के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। तब जाके अर्जुन झुके हैं, प्रणाम किया है भगवान को। तो श्लोक में क्या लिखा है, शाधिमाम त्वं प्रपन्नम, प्रपन्नम मतलब मैं प्रणाम करता हूं, मैं गिरता हूं आपके चरणों में। तो यहां से भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति की शुरुआत कब होती है, प्रणाम करने से। आप इस्कॉन मंदिर में आए, पहली बार आए थे तो क्या किया था आपने, प्रणाम नहीं किया था, सीधा आए थे। और जो प्रणाम करते हुए लोग दिख रहे थे, बोले पगला गए लोग, ये लेटे हुए हैं यहाँ पे, क्या अजीब से लोग हैं, अजीब है ना। वी फेल्ट सो अनकंफर्टेबल दैट टाइम ना, बी फ्रैंक, ऐसा नहीं लगा था कि जो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग गिरे पड़े इधर उधर, ये कौन सा मंदिर है, अजीब सा। अरे प्रणाम करना है तो थोड़ा कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये पूरा लेट लेट के, ये कौन सा प्रणाम होता है। मगर जब आगे चल के समझ आई तो सबसे पहले मंदिर में आते ही सबसे पहले क्या करते हैं, हम भगवान को तो बाद में देखेंगे, पहले गुरुजी को प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि अगर गुरुजी को प्रणाम किया तभी जाके भक्ति के द्वार खुलते हैं। बेशक वो द्वार मेन गेट खुला हो, मगर अगर गुरु को प्रणाम नहीं किया तो भगवान का जो गेट है वो हमेशा बंद रहेगा हमारे लिए, उसका कोई लाभ ही नहीं है। आप जाके दर्शन भी कराएंगे उसका लाभ नहीं मिलेगा जब तक गुरु को प्रणाम नहीं किया आपने। तो देखिए कितनी अच्छी परंपरा है ना, और आज तक इस परंपरा से हम कितने दूर थे, मगर प्रभुपाद जी कितनी कृपा है कि हमें सिखाने के लिए खुद बैठे हैं, खुद गेट पे बैठे हैं। अब सब सारी सर्दी गर्मी कहाँ लगती है, वहीं पे लगती है, मगर वहीं बैठे रहेंगे प्रभुपाद जी। बोले मुझे इनको सिखाना है, अपने आचरण से मुझे सिखाना है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम लोग आगे जाओ, एसी में जाओ, भगवान का दर्शन करो, मैं सबसे दूर बैठा हूँ ना, मगर यहाँ पे मैं सिखा के जाऊँगा। तो प्रणाम बहुत आवश्यक है, मगर जिसने पगड़ी डाली होती है ना वो झुकता नहीं है।
आप कभी देखो किसी नेता को बुला जो पगड़ी डाला होता है, जो टोपी डाला होता है ना, वो दूर से आएगा ऐसे जरूर कर लेगा ना, मगर प्रणाम नहीं कर पाएगा, क्योंकि टोपी का डर है भाई, पगड़ी का डर है, गिरेगी ना, प्रणाम करने के लिए टोपी निकालनी पड़ेगी मुझे, कैसे छोड़ू अपनी पगड़ी को, यही तो ओहदा है मेरा, कैसे छोड़ू। ऐसे ही हम लोग भी कई बार झुक नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अहंकार की पगड़ी पहनी हुई है, हमने अहंकार का बोझा लेके चलते हैं ना, और हमें लगता है कि हम ना बहुत ऊंचे हैं, तो कैसे झुके हम, हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता है भक्तों के समक्ष, गुरु के समक्ष, भगवान के समक्ष। मगर भक्ति की शुरुआत तो प्रणाम से ही होती है, तो जिसने प्रणाम करना सीख लिया, मतलब जिसने झुकना सीख लिया, उसने सीखना सीख लिया, तो जो झुकता है वो सीखता है। स्टैम्प देखिए कभी आपने, स्टैम्प, स्टैम्प क्या होती है, उल्टी होती है ना, अगर आप उसको देखो उल्टी है, तो मारोगे थप्पा लगाओगे तो सीधी हो जाती है सामने, देखा आपने, उल्टी है मारते हैं तो बिल्कुल सीधी नजर आती है। ऐसे ही हम लोग जाते ना प्रणाम करते हैं, तो माथा सिर पे लगाते हैं, और माथे पे कैसे उल्टा लिखा हुआ है, जितना उल्टा सीधा लिखा हुआ, जैसे भगवान का मारते हैं प्रणाम, सीधा सब सीधा हो जाता है वहां पे, तो जितने उल्टी सीधी सारी रेखाएं हैं, प्रणाम मारते ठप्पा मारते सब सीधा हो जाएगा वहां पे, ये प्रणाम का लाभ है। मगर वही प्रणाम नहीं करना चाहते, वही झुकना नहीं चाहते। कई बार तो इतने हम वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बोले कपड़े खराब हो जाएंगे, वो कईयों को तो लगता है रिंकल आ जाएंगे वो कपड़ों में, कुछ तो लोग तो बैठते भी नहीं है, बोले अभी प्रेस करके आए हैं वहां घर से, तो ये नहीं समझ आता उनको कि मंदिर आए क्यों हैं वो। तो वृंदावन के जो गोस्वामी हुआ करते थे है ना, षट गोस्वामी, वो लोग तो भगवान को प्रणाम भी गिन के करते थे। कि भगवान को प्रणाम करेंगे, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भगवान को प्रणाम करते थे, पता है दिन में कितना, 1000 बार, और वैष्णव को 3000 एक ही दिन में, 1000 times प्रणाम टू कृष्णा एंड 3000 times टू वैष्णवा। अब सोचो बॉडी कैसी होगी उनकी ना, इतना पुशअप कर लिए, इतनी एक्सरसाइज कर ली ना, तो ऐसे वैष्णव हुए हैं, ऐसे वैष्णवों की परंपरा में हम, ये हमारी लीगसी है, तो वी शुड टेक प्राइड इन दैट। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कितो भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपीन कंथाशितो। कोपीन और कंथा का आश्रय लिया हुआ है, कुछ और असेट है नहीं उनका, मगर दिन रात सुबह शाम प्रणाम करते रहते, मतलब 3000 प्रणाम, तो सोचिए आप टाइम देखिए कि कितने इंटरवल में कितना प्रणाम करते होंगे वो, ऐसे लगता है कि बस ऊपर नीचे घूमते प्रणाम ही करते हैं, कि कोई वैष्णव आया प्रणाम, कोई वैष्णव आया प्रणाम। यहाँ पे आपको बात बताएं, हमारे प्रेसिडेंट साहब है ना, इस ग्रेस प्रदुम प्रिय प्रभु जी, तो उनके साथ आप थोड़ी देर खड़े नहीं रह सकते बाहर कॉरिडोर में, क्यों, क्योंकि कोई भी आएगा ना उनको प्रणाम करेगा, तो वो प्रणाम करते हैं वापिस उसको। अब वो तो प्रणाम करते हैं, मगर आपका तो शरीर अपना है ना, आप तो सोचेंगे भैया गोड़े कितने दर्द होंगे, बार बार कितनी बार झुक लोगे आप, 50 लोग आएंगे, 50 को प्रणाम करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा प्रणाम। तो हम बोलते प्रभु जी हम थोड़ा जाते हैं सेवा प्रणाम करते रहिए वहाँ पे, मगर गोस्वामी लोगों का तो ऐसा है ना, ये भाव है कि संख्या पूर्वक नाम गान नति, कि नाम भी गिन के लेते हैं है ना, और जो जो गिनती होती है बहुत ऊँची होती है हमारी गिनती से, और प्रणाम भी गिनती से करते हैं। भगवद्गीता में भगवान बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मेरे को मुझे मन दो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो। सो कृष्णा डिमांड्स, ऐसी हालत हो चुकी है, कलयुग आ चुका है कि भगवान को डिमांड करना पड़े मुझे प्रणाम करो, क्योंकि वो जानते हैं जब तक झुकेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। तो अभी भी भगवान ने गीता शुरू नहीं करी जब तक अर्जुन झुकानी, इट मे फील वेरी अथॉरिटेरियन, आपको लगे भैया कैसा आदमी है, सबको झुकाता है तब ज्ञान देता है, इट अपीयर्स लाइक दिस ना, कि मतलब बड़ा ही सनकी इंसान है ये, इसका नाम कृष्ण है, कि जब तक वो इसके सामने झुकता नहीं तब तक वो अपना ज्ञान देता नहीं। मगर ज्ञान प्राप्त करने की विधि यही है, आपको किसी से भी ज्ञान लेना है तो झुकना पड़ेगा, इट ऑलवेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अपने गुरु के सिर पे पैर रख के आप ऊपर चढ़ जाएंगे, कभी ज्ञान नहीं मिलेगा हमें, और सारी गलती वही होती है,
भक्ति में हम आते हैं ना, शुरुआत में तो वो झुके झुके होते हैं, मगर थोड़े दिनों में लगने लग जाता है कि हम बहुत ऊँचे हैं। तो फिर गुरु के सिर पे पैर रखे ऊपर जाना चाहते हैं, तो फिर वहीं पे फ्लो ख़त्म हो जाता है सारा ना, वहाँ पे जो जो संबंध बना है गुरु के साथ सब ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, झुके रहना ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दीक्षा तो कईयों की हो जाती है, दीक्षा कईयों की हो जाती है, मगर सब शिष्य नहीं बन पाते, क्योंकि केवल दीक्षा लेने से शिष्य नहीं बने हैं। मगर दीक्षा के समय जो आपने संकल्प लिए हैं और जो गुरु के प्रति शरणागति का भाव है उसको बना के रखना, यही ये दीक्षा है असली। तो जितनी जल्दी हम अपने आप को मूर्ख मान लेंगे उतनी जल्दी प्रगति कर लेंगे हम। तो दीक्षा के समय हम ये भी गुरु को डिक्लेयर कर रहे हैं कि गुरु जी सबसे मेरे से बड़ा मूर्ख आपको मिलेगा नहीं, आई एम फूल नंबर वन। ये दीक्षा के समय अगर भाव रहा और भाव बना रहा तो गुरु के जो कृपा का मार्ग है वो हम कृपा का जो द्वार है वो हमेशा खुला रहता है हमारे लिए। मगर जैसे ही हम अपने आप को ना फौलाद समझने लग जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा एबल समझने लग जाते हैं, तो वो जो कृपा का जो फ्लो है वो कम हो जाता है और एक एक समय के बाद बंद भी हो जाता है। तो इसलिए झुकना बहुत ज़रूरी है। कहीं जाते हैं ना हम तो GPS की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर GPS नहीं यूज़ नहीं करेंगे तो ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे। तो ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग के में आगे बढ़ना है तो वहाँ भी गुरु का GPS बहुत ज़रूरी है। GPS का मतलब GPS को फॉलो करना। होता क्या है कि कई बार GPS दिखाता रहता है और हम बोलते हैं ये रास्ता नहीं है, हमें पता है रास्ता यही होता है, वहाँ भी अपना दिमाग लगा देते हैं, अरे GPS जो बोल रहा है फॉलो कर लो सिंपली जल्दी पहुँच जाओगे। मगर नहीं नहीं ये नहीं ना, हम तो यहाँ से जाते हैं जी, तो जाओ जी यहाँ से, तो आगे एक घंटा जाम में फंसोगे आप। यही तो GPS बताना चाह रहा है, यही तो गुरुजी बताना चाह रहे हैं कि ये रास्ता सही नहीं है, दूसरे रास्ते को फॉलो करो। मगर वहाँ पे भी बुद्धि लगाते रहते हैं अपनी, तो गुरु के सामने भी अपनी मूर्खता को हमने स्वीकार नहीं किया है। देखिए जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करी है क्योंकि झुके हैं किसी के सामने। चंद्रगुप्त मौर्य है ना, मौर्य वंश को स्थापित कर दिया, मगर किसके बलबूते पर कर पाए? चाणक्य पंडित के बलबूते पर कर पाए। अगर चाणक्य पंडित ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य ना होते। सचिन तेंदुलकर है क्योंकि रमाकांत आचरेकर के सामने वो झुके हैं ना, उनसे सीखा है। PV सिंधु का जो नाम है अपने कोच गोपीनाथ है ना, गोपी पुलेला गोपीनाथ गोपीचंद जो भी है, तो उनसे भी ज़्यादा है। देखो नाम ही गड़बड़ी है, नाम नहीं याद, मगर जो शिष्य है उसका नाम याद है क्योंकि उससे आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि गुरु के सामने झुकी है वो, तो झुकता है तो उसका नाम भी बढ़ जाता है। तो ये लाभ है। गुलाम अली, एक बार की बात है, रात को अपने गुरु जी के पास बैठे थे, गुरु जी को बहुत पैरों में दर्द हो रहा था। गुलाम अली बोले गुरुजी मैं पाँव दबा देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ना तुमसे थोड़ी पैर दबाऊंगा, तुम तो शिष्य हो मेरे गुरुजी, मेरा कर्तव्य है ये ना, मुझे लाभ मिलेगा इससे मैं गुरु के पैर दबाऊंगा। तो गुरुजी के पाँव दबा रहा है। और फिर रात को गुरुजी की आँख खुलती है 3 बजे, टाइम देखते अरे 3 बज गए और देखा गुलाम अली अभी भी लगे हुए हैं पैर दबाने के लिए। बोले क्या बात, तुम गए नहीं, तुम सोए नहीं? बोले गुरुजी आपने आज्ञा नहीं दी ना, आखिरी आ गया थी मैं आपके पैर दबाने की, पैर दबा रहा हूँ, जब आप आ गया देंगे चले जाने की तो चला जाऊंगा, आपने आ गया नहीं तो कैसे चला जाऊँ, ये तो उल्लंघन हो जाएगा आपकी बात का। तब उस समय बैठे गुरुजी और बोलते गुलाम अली मैंने पूरी दुनिया को शिक्षा दी है, सबको मैंने सिखाया है, मगर अब तुम्हें मैं वो सिखाऊंगा जो आज तक किसी को नहीं सिखाया, और वो जो ज्ञान मिला वो जो मूल मंत्र मिला उसके बाद वो गुलाम अली बोले द लेजेंड गुलाम अली, गुरु की कृपा मिल गई ना। तो गुरु की कृपा कहाँ पहुँचा सकती है आपको, तो जो झुकता है वो सीखता है। तो शास्त्र गवाह है, इतिहास गवाह है ना, कि जो झुका है ना भगवान उसको बड़ी तेजी से आगे बुला लेते हैं। तो माधुरी दीक्षित नेने है ना, वो माधुरी दीक्षित क्यों है ना, क्योंकि बिरजू महाराज के सामने झुकी हो, बिरजू महाराज से सीखा है उसने। तो शिष्य का भाव हमेशा ये होना चाहिए कि ये जो मेरे गुरु है ना ये मुझे तराशेंगे ना,
तो तराशने में क्या होता है, दिक्कत तो होती है, कष्ट तो होता है ना, आपको मशीन के साथ रगड़ा जाएगा, आपके जो पंख हैं वो काटे जाएंगे, तो दिक्कत तो होगी, मगर उसके बाद वो जो मटेरियल निकलेगा ना उसके बाद तराशने के बाद, बड़ा ही चमकता हुआ होगा वो, बड़ा ही सुनहरा होगा। ऐसे ही हम लोग भी ना जब गुरु के समक्ष जाते हैं तो गुरु भी हमारे पंख काटते हैं, हमारे अहंकार को चूर चूर करते हैं, तो दिक्कत तो बहुत होती है, कष्ट तो बहुत होता है, मगर उसके बाद ना जब वो हम निकलते हैं ना बाहर उस तपन के प्रोसेस से ना, तो उसके बाद बहुत निखरते हैं। तो जो इससे गुजर गया, गुरु के जो डांट है, जो प्रहार है, जिसने सहन कर ली गुरु को अपना मानते हुए, तो उसके बाद जब वो निकलेगा तो चमकता हुआ हिरिया निकलेगा वो। क्योंकि हमेशा याद रखना चाहिए कि जो गुरु हैं वो केवल और केवल हमारा भला चाहते हैं, कोई और उनका ना औचित्य होता नहीं है, मगर भलाई करने में कई बार जो अंदर के अनर्थ हैं उनको निकालना पड़ता है, ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो अगर सतगुरु मिल जाए और सतगुरु के साथ सत शिष्य मिल जाए तो कमाल हो जाता है ना। तो पहली बात तो सतगुरु मिलना बड़ा मुश्किल है, मगर प्रभुपाद जी गीत गए हैं कि ऐसी परंपरा में है तो सतगुरुओं की कमी नहीं है हमारे पास, दिक्कत कहाँ है, सत शिष्यों की। मगर अगर सतगुरु है और साथ शिष्य भी सत्य है ना, सत शिष्य है जो गुरु के प्रति शरणागत है, तो कमाल हो जाएगा। और ऐसा कमाल हुआ ना, भक्ति सिद्धांत महाराज सतगुरु और साथ में मिल गए सत्य शिष्य शिल प्रभुपाद, क्या कमाल हो गया, पूरा धमाल हो गया, पूरा पूरा विश्व ना, पूरा ब्रह्मांड भक्त बन गया, ऐसा शिष्य और चेले का कॉम्बिनेशन बन गया। तो सत शिष्य कौन होता है, जो सतगुरु को अपने ऊपर शासन करने दे वो है सत शिष्य। शिष्य कहां से निकलता है, शस धातु से, शस मतलब शासन, कि मैं स्वीकार कर रहा हूं कि जो मेरे गुरु हैं मेरे को शासन कर सकते हैं, मतलब मेरे को डिसिप्लिन में रख सकते हैं, मुझे दंड दे सकते हैं ना, मुझे डांट सकते हैं, मुझे फटकार सकते हैं, अपना आक्रोश मुझ पे निकाल सकते हैं, उसके बाद भी मैं भक्ति को छोड़ूंगा नहीं, इस्कॉन को छोड़ूंगा नहीं, गुरु को छोड़ूंगा नहीं, इस भाव से जो शिष्य गुरु को स्वीकार करते हैं वो कहलाते हैं सत शिष्य। इसलिए आजकल गुरु जी ना डांटते भी नहीं है शिष्यों को, बोले पता है थोड़ा सा डांटेंगे भाग जाएगा, भक्ति छोड़ के ही भाग जाएगा। इसलिए गुरु आजकल ऐसा हो गया, गुरु को शिष्यों की पूजा करनी पड़ती है, ऐसे नालायक हो चुके हम लोग। सोचिए कि गुरु को इस स्तर पे आना पड़ता है कि गुरु को डर लग रहा है कि अरे मैंने कुछ डांट दिया इसको तो ये भक्ति छोड़ जाएगा, बड़ा मुश्किल से तो जन्मों जन्मों बाद तो भक्ति में आया और वो भक्ति भी छोड़ जाए मेरी डांट से। तो गुरु सहन करते रहते हैं शिष्यों को, कई बार उसकी सारी गलतियों को, सारे अनर्थों को सब सहन करते रहते हैं। राधा कुंड में एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज आए हुए थे और वहाँ पे लेक्चर कर रहे थे, और भक्ति सिद्धांत महाराज का लेक्चर बड़ा छोटा होता था, केवल 3-4 घंटे का, बड़ा छोटा होता था ना, कई बार मूड में आए तो फिर 6-7 घंटा कथा करते थे वो। एक बार तो आए भक्ति सिद्धांत महाराज, काफ़ी लंबी जर्नी करके आए थे, लगभग 15-16 घंटे की। उसके बाद कुछ शिष्य जो उनसे मिले बोले कि गुरुजी आप आ जाइए, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। बोले रेस्ट, ये क्या होता है? बोले अभी तो मैं सीधा कथा करने जाएंगे, और उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऐसी कथा करी, इतनी लंबी कथा करी आज तक कभी नहीं करी। फिर बाद में शिष्य पूछे, अरे गुरुजी आप इतनी लंबी जर्नी करके आए, आपको रेस्ट तो करना चाहिए था। बोले मैं और क्या कर रहा था, रेस्ट ही तो कर रहा था, कृष्ण कथा करने से मेरा हर जो अंग है उसको रेस्ट मिला है, शांत हो गया है, उसको राहत मिली है, तो रेस्ट ही तो किया मैंने। बोलते हैं अरे गुरुजी आप अपने कंठ को इतना ज्यादा प्रयोग करेंगे दिक्कत हो जाएगी, रोग हो जाएगा कंठ में। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, बोले अगर कथा नहीं करूंगा रोग तो फिर भी होना है ना, रोग तो शरीर तो बना ना, शरीर रोगे भयम, शरीर तो बना ही है रोग देने के लिए, कष्ट देने के लिए, तो इससे अच्छा है कि इस शरीर का उपयोग हो जाए कृष्ण की सेवा में, रोग तो वैसे भी होना है, रोग तो मेरे कर्म है ना, कर्मों का फल मिलना है मुझे, मगर हाँ इस शरीर का प्रयोग होगा कृष्ण की कथा करने के लिए, कृष्ण के सेवा करने के लिए, तो सदुपयोग हो गया शरीर का। तो देखिए ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य, सत गुरु सत शिष्य, भक्ति सिद्धांत महाराज और शिला प्रभुपाद का माल हो गया। तो क्या किया प्रभुपाद जी ने, इस सत गुरु से श्रवण किया और जो श्रवण किया अपने जीवन में अपनाया उसको। ये मतलब होता है शिष्य बनने का, कि जो गुरु की इंस्ट्रक्शन को सुने और अपने जीवन में उसको अपनाए भी।
तो शिष्य क्या करता है, अपनी कमियों को स्वीकार करता है गुरु के सामने, और गुरु जो उसके ऊपर शासन करते हैं, जो उसको दंड देते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार करता है वो। तो फिर गुरु उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसको बड़ी जल्दी भक्ति में आगे बढ़ा देते हैं। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण को बोलते हैं कि भगवान मैं अपना धैर्य खोल चुका हूँ। अब भगवान बोलते हैं इसलिए तो गीता सुना रहा हूँ, गीता उसी के लिए जो धैर्य खो बैठे हैं ना, कि जिसके पास धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, उसको गीता सुननी चाहिए ना। कि जैसे अर्जुन बड़ा ही ना विचलित हो चुके थे, बड़े एंग्शियस थे, गीता श्रवण करने से जीवन में धैर्य आया, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी वो धैर्य आएगा गीता का श्रवण करने से। तब क्या बोलते हैं अर्जुन, लास्ट लाइन क्या है इसकी श्लोक की, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वम प्रणपणम। तब मैं आपके शरणागत होता हूं। तो प्रतीत ऐसा हो रहा है कि अब अर्जुन हार मान चुके हैं, अब ऐसा भी लग रहा है कि निठल्ले हो चुके हैं वो, कुछ काम काज करना नहीं चाह रहे वो। शिष्यस्ते हम, अरे मेरे को अपना चेला बना लो, मेरे को चेला बना लो, है ना, आप गुरु मैं चेला। मगर ये जो भाव आया अर्जुन का शिष्य बनने का, ये कोई छोटा मोटा भाव नहीं है, ये जन्मों जन्मों में के बाद किसी के हृदय में ऐसा भाव जागृत होता है, शिष्य बनने का भाव। मगर भगवान भी क्या करते हैं, अभी प्रतीत तो हो रहा है कि अब अर्जुन को अपयश मिलेगा, वो झुक गया, मगर नहीं, जो भगवान के सामने झुकता है या जो गुरु के सामने झुकता है, भगवान उसका यश लाखों लाखों गुना फैला देते हैं ना, उसको ऐसा यश उसका फैलाते हैं। अयोध्या कितने लोग गए हैं, तो अयोध्या में रामलला का दर्शन करने से पहले किसका दर्शन करना पड़ता है, हनुमान जी का। क्यों, क्योंकि हनुमान जी के दर्शन के लिए बिना राम जी दर्शन देंगे नहीं आपको, और कोई लाभ नहीं होगा। तो यश किसका ज्यादा है ना, किसका यश ज्यादा है, पहले कहां जा रहे हैं आप, हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, तो यश किसका ज्यादा है, चारो युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, पूरे जगत में प्रसिद्ध आप, क्योंकि आप राम जी के सामने झुकते हैं, और इसलिए पूरी दुनिया पहले जाके राम जी को झुकने से पहले ना हनुमान जी के सामने झुकती है। सहस बदन तुमरो यश गावे, ऐसा कहे श्रीपति कंठ लगाओ, सहस बदन ना, करोड़ों करोड़ों जो बदन है वो आपका यश गाते हैं हनुमान जी, ये ऐसा आपका ओहदा है। तो ये ओहदा किसने दिया हनुमान जी को, जिसके सामने झुके हनुमान जी, वो यश उन्होंने यश दिया, बोले मेरा मेरा भक्त है ना, ये मेरे सामने झुका है, अब देखो पूरी दुनिया इसके सामने झुकेगी, आई विल टेक दिस गारंटी, मैं संकल्प लेता हूं। प्रहलाद महाराज कितने साल के हैं, मगर आप जब आते ना मंदिर तो आप नरसिंह देव को तो प्रणाम करते हैं, प्रहलाद महाराज को प्रणाम करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, बोले भक्त है ना, भक्ति विघ्न विनाशक, भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी होती, नरसिंह देव भगवान की, प्रहलाद महाराज की, उसके बिना नरसिंह आरती पूरी नहीं। अगर आपने केवल नरसिंह भगवान की जय कर दी, प्रहलाद महाराज की जय नहीं करी, कोई टोक देगा आपको, बोले ट्रेनिंग नहीं हुई आपकी अच्छे से ना, पूरी नरसिंह आरती पूरी नहीं हुई, क्योंकि प्रहलाद महाराज की जय बोली नहीं आपने। अब आप बोले अरे 5 साल का बच्चा उसकी जय बोलूंगा मैं, बोले 5 साल का बच्चा नहीं है, उनके पिताजी देख ना, उनसे डर तू थोड़ा ना, गलती से वो तेरे सपने में भी आ गए ना, तेरा क्या हाल करेंगे वो, कि तूने मेरे भक्त की जय नहीं बोली। तो ऐसी प्रहलाद महाराज की जय जयकार हो रही है, क्यों, क्योंकि भगवान के सामने झुके वो, हमेशा झुकते रहे वो, तो जितना ज़्यादा झुके उतना ज़्यादा भगवान के नज़दीक आते गए। वो मीराबाई ना, जिसको पूरे जगत ने लताड़ा, अब उसके पति ने लताड़ा उसको, मगर वो मीराबाई भगवान की आंखों में जाके बस गई, क्योंकि भगवान के सामने वो झुकी। तो इस प्रकार जो झुकता है वो सीखता है। तो एक प्रमाणिक गुरु को अपने जीवन में अपनाना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और केवल अपनाना नहीं ना, उसके सामने झुकना, उसके सामने शरणागत होना, जिस प्रकार अर्जुन क्या बोलते हैं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वम प्रपन्नम। तो ये श्लोक का तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं 2.8। नहि प्रपश्यामि मम अपद्यात् यच्छोकम् उच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असप्तमं रिद्धम्
राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन। वो अर्जुन जो इंद्र के साथ सिंहासन शेयर किया था अर्जुन ने, ये औहदा था अर्जुन का, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था वो। तो देवी देवता भी डरते थे इंद्र अर्जुन से। तो वो अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरी क्या स्थिति हो चुकी है इस समय, मतलब कि सारे ऐश्वर्य फीके पड़ गए अब। मन्ने धनाभिजन रूप तपशुतोजस तेज प्रभाव बल पोर्ष बुद्धि योगा नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। क्या धन और क्या अभिजन, क्या ज्ञान, क्या मान, क्या सम्मान, क्या लोभ, अरे सब बकवास है, भागवत बोलती है। इसका कोई लाभ नहीं है आपके। आप बहुत सुंदर हो सकते हो, बहुत धनवान हो सकते हो, बहुत ज्ञानवान हो सकते हो, मगर ये सुंदरता, ये ज्ञान भगवान को आकर्षित, इससे आप भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते, भगवान इससे परे हैं ना। जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिभिर एद माना मदा पुमान नैवार्थी अभिधातु मई त्वाम अकिंचन गोचरा। कि ना तो अपने जन्म से आप भगवान को आकर्षित करते हो कि भैया ना मेरे दादाजी वहाँ पे बिलीनर रहे हैं ना, तो ये कुछ नहीं चलेगा। ना ही ऐश्वर्यों से कि देखो हमारा इतना बड़ा महल है, ठाकुर जी आओ ना, आओ भोग लगाओ हमारे घर में, 56 भोग आपके लिए भोग लगाया है, तो आप आइए। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिभिर, चाहे कितना मर्जी ज्ञान क्यों ना हो हमें, कितना मर्जी लक्ष्मी क्यों ना हो हमारे पास, इससे भगवान आकर्षित नहीं होते। कैसे आकर्षित होते भगवान? अकिंचन गोचरा, कि जो अकिंचन भक्ति करता है भगवान की, निष्किंचन भक्ति करता है, अनमोटिवेटेड अनलॉयड डिवोशन सर्विस में जो लगता है भगवान की, उससे भगवान आकर्षित होते हैं। तो भक्ति से आकर्षित होते हैं भगवान। तो अर्जुन यही बोल रहे हैं कि मेरे पास ऐश्वर्य तो बहुत सारे रहे, मगर अभी उन सारे ऐश्वर्य का कोई लाभ मुझे मिल नहीं पा रहा है। इसलिए बताया जाता है जब दीक्षा होती है ना, तब देवी देवता भी आते हैं दीक्षा के समारोह में और आके आंसू बहाते हैं और जय जयकार करते हैं उन सब भक्तों की जिनकी दीक्षा हो रही है। बोले क्या सौभाग्य है इनका कि एक तो भूलोक में जन्म हुआ, ऊपर से भारत भूमि में जन्म हुआ, ऊपर से एक प्रमाणिक गुरु से इनकी दीक्षा हो रही है, और हम लोग तो लुटे पुटे लोग वहाँ स्वर्ग में बस वो अप्सराओं का डांस ही देखते रहते हैं हम लोग। ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होगा हमें? अभी तो ऐसे लग रहा है करोड़ों जन्मों तक ये सौभाग्य हमें मिलने वाला नहीं है। तो वहाँ पे आंसू बहाते हैं वो लोग। तो अर्जुन ही बोल रहे हैं कि बेशक बहुत सारे ऐश्वर्य क्यों ना हो हमारे पास, मगर अगर गुरु की शरणागति नहीं है तो सब बेकार है, किसी का कुछ लाभ नहीं है। 2.9 संजय वाचा एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशा परंतपा नायोत्सैति गोविंदम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तात्पर्य सॉरी अनुवाद, संजय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया। तात्पर्य धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। पिछले श्लोक में बोला है ना, बोले इससे अच्छा भीख मांग लूँ मैं कि अपने जो परिजन हैं उनके उनके खून से हाथ रंगने से अच्छा है मैं भिक्षा मांग लूँ। तो यही बोल रहे हैं अब कि धृतराष्ट्र बड़ा खुश हुआ होगा अर्जुन के इस विचार से कि भैया ये तो अब रण छोड़ के जा रहा है, ये तो भीख मांगेगा। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रु को मारने में सक्षम है। इसलिए क्या शब्द प्रयोग किया है? परंतपा। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली।
इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। श्लोक नंबर 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्न इव भारता सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदंतम इदं वचा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तम अब आ रहे हैं श्लोक नंबर 11, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 2.11। इसको आप याद भी कीजिएगा, जैसे पिछला एक श्लोक बताया आपको 2.7, तो वो भी याद कीजिए, और 2.11 ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्री भगवान उवाच अशोचयानन्वशोचस्व प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासूना गतासूंश ना अनुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, आप फिर डांट रहे हैं अर्जुन को, अशोचयान अन्वशोचस्तम, कि ऐसे चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। प्रज्ञावादांश भाष्य से ना, लग तो रहे बड़े बड़े पंडित हो तुम ना, देखने से हुलिया तो तुम्हारा पंडित जैसा लग रहा है, मगर जब तुम बोलते हो तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना पढ़े लिखे नहीं हो तुम, अनपढ़ हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम ना, कि ऐसी चीज शोक करने योग्य है। तो गता सुन अगता सुन, तो देखिए संसार में तो सब दुखी हैं ना, नानक दुखिया सब संसार है, सब लोग बड़े दुखी हैं, मगर अर्जुन ऐसे थोड़ी होता है कि दुख में तुम ऐसे शब्द बोलने लग जाओ ना जो तुम्हारे पर्सनालिटी को मैच ना करें। तो देखो अर्जुन, तुम्हारी भाषा ना वो एप्ट नहीं है, वो सही नहीं है। तो किसके लिए शोक कर रहे हो, क्या शोक करने योग्य नहीं है। गतासून अगतासून, गतासून मतलब जो चला गया है और अगतासून मतलब जो भी गया नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चला भी गया है उसके ऊपर भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और जो अभी है, बेशक आप आशा करो कि वो चला जाए मगर जा नहीं रहा है, उसके ऊपर भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि गता सुन अगता सुन, अरे कोई चला गया तो शोक कैसे ना करे। और शोक तो भगवान ने भी किया था, जब पांडवों का पता लगा कि कुंती महारानी और पांडवों को लाक्षाग्रह में जला दिया गया, सुरंग का तो बाद में पता लगा मगर उसमें खबर यही आई थी कि सब जल बुन गए वहां पर। तो इतने में वहां पे विदुर जी, धृतराष्ट्र, गांधारी ये सब शोक मनाने लगे इतने, और फिर दौड़े दौड़े ठाकुर जी भी पहुंच गए वहां पर। अब वो तो परमात्मा है सब जानते हैं, मगर क्योंकि अब लोक विचार है कि अब ऐसा माहौल है कि अब ये पांडव है ना, उनका वो अपना देह त्याग कर चुके हैं, ऊपर से कुंती महारानी जो इतनी भगवत भक्त है उसने देह त्यागा है, तो ऐसे इवेंट्स में तो ऑब्वियसली हमारा जो हृदय बड़ा विदीन हो जाता है। तो भगवान भी पहुंचे वहां पे और शोक करने के लिए पहुंचे वहां। और जब भगवान द्वारका छोड़ के इधर आए थे, हस्तिनापुर आए थे, तो पीछे वहां पे सतधर्मा ने सत्यभामा के जो पिताजी हैं सतराजीत, उनको मार दिया। अब वहां से सत्यभामा रथ लेके रातों रात वहां भगवान के पास पहुंचती है और आके बोलते कि पापा का मर्डर हो गया। अब भगवान तो सब जानते हैं मगर फिर भी क्या किया भगवान, अब वापस लौटे यहां से सत्यभामा के साथ और फिर वहां पे जाके शोक किया। अब ये भगवान जो खुद शोक मनाते हैं और यहां पे अर्जुन को शोक दे रहे हैं कि शोक मत कर तू भाई, समझ नहीं आया कि मुझे क्यों मना किया जा रहा है कि मैं शोक मत करूं। तो अब कैसे समझे इसको कि शोक करना सही है कि नहीं। तो अर्जुन को डांट क्यों रहे हैं भगवान शोक, जब वो शोक कर रहा है यहाँ पर, किस लिए शोक कर रहा है कि मेरे परिजन है ये मर जाएंगे, ये मेरे गुरुजन है मर जाएंगे। तो
तो भगवान क्या बोल रहे हैं, शोक तो ठीक है मगर अनुशोचन ये ठीक नहीं, कि ऐसा शोक करना जिसके पीछे आप पगला जाएं, सुध-बुध खो बैठे वो सही नहीं है। अति हर चीज की बेकार है, ऐसी शोक की अति भी बहुत बेकार है, वो सही नहीं है। तो आवश्यकता से ज्यादा ना कि बार बार आप रोते ही रहें, आपके जीवन आपका जीवन ही ठप हो गया अगर कोई व्यक्ति चला गया है तो इस प्रकार का जो शोक करना वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो अब क्या बोल रहे हैं भगवान, और क्या क्या कहा, शोचयान अन्वशोषस्तम, कि जो काम का नहीं उस पर रोना नहीं, जो काम का नहीं उस पर रोना नहीं। मगर हम लोग किस पर रोते हैं, जो चीज काम की नहीं है उसी पे रोते रहते दिन रात सुबह शाम, उसी पे हमारा रोना चलता रहता है, उसने मेरी बेइज्जती कैसे कर दी, जैसे बहुत बड़ी इज्जत थी हमारी है ना, तो कैसे कर दी उसने। तो जो काम का नहीं उस पर हम रोते रहते हैं। देखो जी, हम गए थे उनके घर, गए थे है ना पड़ोसी के घर, तो बोला दावत दी थी हमें, फिर जब खाने की बारी आई तो हमारे बच्चों को तो बस वो पनीर सब साइड पे निकाल के वो मटर मटर फेंक दी हमारे प्लेट में, उसी पे रोते रहते हैं। अरे इसकी सैटरडे की छुट्टी होती, हमारी क्यों नहीं होती, इसकी तो प्रमोशन होगी, हमारी क्यों नहीं। तो जो काम का नहीं उस पर रोना नहीं, जब तक रोते रहेंगे छोटी चीज़ों पर रोते रहेंगे, फिर बड़ी चीज ऐसे तूफान कर देगी हमें कि रोने का समय नहीं मिलेगा हमारे पास, सोचने का समय नहीं मिलेगा हमारे पास। इसलिए वी हैव टू थिंक हायर। प्रभुपाद जी ने हमें विजन दिया है कि हम बड़ा सोचें, ऊंचा सोचें, कि ये जो भक्ति का जो कार्यक्रम प्रभुपाद जी ने दिया, ये जो संस्था हमें हमारी दी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ऊंचे हैं। प्रभुपाद जी की संस्था में देखिए 7 ऑब्जेक्टिव दिए, कितने लोगों ने देखे हैं 7 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्कॉन, आधे लोगों को पता भी नहीं होगा। तो खोलिए इंटरनेट, खोलिए उस पर डालिए 7 ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्कॉन, उसको पढ़िए, तो तब समझ आएगी कि कितना ऊंचा सोचा है प्रभुपाद जी ने हमारे लिए। मगर हम वो छोटी छोटी बातों पर फंसे रहते ना, इसने मेरे साथ ऐसा बोल दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया ना। हम वहाँ गए थे, हमें तो माला ही नहीं पहनाई। अरे माला तो सबके हाथ में है भैया, सबसे बड़ी माला तो वही है, उसको अपना लो आप, फिर बाकी और माला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो जो मुद्दा काम का नहीं है उस पर रोना नहीं है। सो वी शुड नॉट बी क्राइंग फॉर एवरी बैटल विच कम्स ऑन द वे, कि रास्ते में कुछ भी चीज आई जो मेरे अनुसार नहीं है उस पर रोने लगे हम, आंसू बहाने लगे। तो एक बार गधा और चीता आपस में बात कर रहे थे, वैसे अनलाइकली है कभी गधा और चीता बात करें, मगर आपको समझ आई गधा और चीता बात क्यों कर रहे थे थोड़े देर में। तो सामने घास थी, तो गधा बोलता है कि घास नीली है, चीता बोलता है घास हरी है। बोले नहीं, घास घास ये नीली है। बोले नहीं, घास हरी है। बोले मैं बता रहा हूँ ना, मैं चीता हूँ, घास घास हरी है। बोले मैं भी तो गधा हूँ, आजकल तो गधों की ज़्यादा चलती है, घास नीली है। तो दोनों चले गए राजा जी के पास, जंगल का राजा शेर। बोले राजा जी देखो है ना, ये बेशक चीता है ना, तुम्हारे ओरिजिन का है, मगर इसमें अकल नहीं है ना, ये बोल रहा है कि देखो घास हरी है, घास तो नीली है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चीता बोलता है राजा जी घास तो हरी है, आप बताइए, आप डिसीजन दीजिए घास कैसी है। तो चीता बोलता है बोले घास तो नीली है। बोले घास नीली, तो सारे आसपास के और ना प्रजा आ गई वहां पे। तो राजा वो शेर बोलता है, बोले सबसे पहले तो इस चीते को डालो जेल में और 1 महीने का मौन व्रत दे दो उसको। बोले इतना बड़ा दंड को दे रहे हैं घास के चक्कर में। बोले एक्चुअली में चीता नहीं, गधा ही है, जो गधे से बहस करे वो गधा ही है, तो घास तो नीली है। तो जो काम का नहीं है उस पर रोने लग जाते हैं हम लोग, जो बड़ी छोटी चीज है उस पर इतना दिमाग लगाते हैं, मगर जो ना जो असली हमारा जीवन का जो औचित्य है, जो मूल्य है, उसको भूल जाते हैं हम। ऐसी कई बार भक्ति में आते हैं तो भक्ति में किस लिए आए वो भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातों में बस अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, अपनी एनर्जी खो देते हैं। मगर जो असली हमारा गोल था, भगवत प्राप्ति, भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, वो लक्ष्य तो कहीं रह नहीं जाता है, उसको बिल्कुल भूल जाते हैं हम लोग। तो इसलिए ना जो काम का नहीं उस पर रोना नहीं। तो यहां यही बताना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, प्रज्ञावादांश भासते। अरे अर्जुन ना पढ़े लिखे इंसान लगते हो, समझदार लगते हो है ना, लगता है कि तुमने पीजी की डिग्री ले रखी है,
मगर ये बातें कैसी कर रहे हो तुम ना, असभ्य बातें कर रहे हो, अनपढ़ वाली बातें कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग लूंगा। अरे क्षत्रिय हो तुम, तो अपने धर्म का पालन करो। इसलिए दीवार को धक्का नहीं मारते हम लोग, है ना, क्योंकि पता है कि हमारी क्या क्षमता है और उस दीवार को धक्का मारने का लाभ ही क्या है। तो वहां पे दिमाग ही क्यों लगाना जो हमारे काम का नहीं है। तो इसलिए इन श्लोकों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति हो सकती है। गीता का हर एक श्लोक, भागवत का हर एक श्लोक हमारे लिए बना है, हमारे पर्सनल कंजम्पशन के लिए बना है। तो इसको हम दूसरों पे ना अपनाएं, ना वो दूसरों पे अपनाने का प्रयास मत करें, मगर खुद देखें कि क्या मैं अपना जीवन व्यर्थ की बातों में लगा रहा हूँ, छोटी छोटी बातों में ही मैं अपनी एनर्जी व्यतीत कर रहा हूँ क्या। मगर प्रभुपाद जी ने क्या लक्ष्य दिया हमें, उस पर कभी चिंतन करता हूँ। तैसे ही ना गुरु आते हैं हमारे जीवन में, तो गुरु भी इस प्रकार डांट फटकार लगाते हैं कि क्या छोटी छोटी बातों में लगे रहते, तो बड़े हो जाओ ना, वी आर नॉट किड्स, वी हैव टू बिकम मैच्योर इन भक्ति। बेशक हो सकता है हमारे साल बहुत बीत गए हो भक्ति में ना, हो सकता है हम दसियों सालों से आ रहे हो क्यों मंदिर में, मगर अगर हम कार्य बच्चों की तरह करते रहे ना, तो फिर गुरु की नज़रों में कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। गुरु चाहते हैं कि हम अपने कंधों पर बोझा लें, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो उसके लिए मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। तो अर्जुन से भी यही आकांक्षा है भगवान की, अरे अर्जुन दोस्त कहलाते हो मेरे, सबको मैंने बताया है सखो मैंने भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए गीता सुना रहा हूँ, मगर बातें कैसी कर रहे हो, प्रज्ञावादांश भाष से, तो शोभा नहीं दे रहा। कुछ चेंज करो ना, कुछ लैंग्वेज चेंज करो अपनी, आनंद यार। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को प्यारी प्यारी बातों में ही ना बड़ी फटकार लगाते हैं। श्रीमद् भगवद्गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।